हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि सीटेट और पीएसटेट का जो है एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है और एक वीक जो है बीत चुका है नवंबर का, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है सुनने को मिल रहा है कि सीटेट और पीएसटेट जो है होंगे। सो ये जो है मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने पिछली बार बनाए थे जिसमें मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ SST के, तो उसे रिवाइज़ करते हैं क्योंकि मैंने इसमें जो है मेन लिखा हुआ है जो मोस्टली रिवाइज़ करना होता है। ठीक है, जैसे कि चैप्टर्स तो हमने पूरे थॉरली पढ़ लिए थे, समझ लिए थे, अब हम जो है मेन सिर्फ रिवीजन करेंगे कि जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले जो है कि अगर मैं बात करूँ बिफ़ोर क्राइस्ट की, क्राइस्ट के बर्थ की, तो उसे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी रिवाइज़ करने की बात है कि उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है काउंट करते हैं, यानी कि बैकवर्ड उसे जो है काउंट किया जाता है। काउंट के अगर हम देखें आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है, क्राइस्ट के जन्म के बाद जो है उसे असेंडिंग ऑर्डर में करने लग गए और पहले जो थे उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करते थे। ठीक है, जैसे कि बिफोर 391 BC, आफ्टर हम बात करते हैं AD 1857। ठीक है, इसी तरीके से BC जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछी गई है, वो है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, AD क्या है, एनो डोमिनी, तो ऐसे वर्ड्स भी पूछे जाते हैं इसलिए मैंने लिखे थे। लेटिन वर्ड जो है AD एनो डोमिनी, जो कि एक लेटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, फिर है CE, तो CE क्या है, CE है कॉमन एरा। ठीक है, समटाइम्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ AD, मींस कि AD जो कि एनो डोमिनी है, कई बार एनो डोमिनी की जगह पे CE भी लिखा होगा। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि BCE क्या है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, लिखा ही हुआ है मैंने साइड में कि BCE क्या है, बिफोर कॉमन एरा। अब क्या क्या सोर्सेज हैं इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें, तो एक है लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और अकाउंट्स जो कि फॉरनर्स के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं, लिटरेरी का मतलब क्या होता है, लिखित। ठीक है, सो जो कि हाथ से लिखे हुए होते हैं, और CTET में ये क्वेश्चन जो है एक बार आया भी था कि पाम लीव्स पे जो लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, पाम लीव्स पे ये लिखे जाते हैं, स्पेशली प्रिपेयर होते हैं एक ट्री की शाखा से, ठीक है, बाक ऑफ ट्री से बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्च। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि बर्च किसे कहते हैं, जो कि क्या है, बाक ऑफ ट्री, और कैसे प्रिपेयर होता है, जो लिटरेरी सोर्सेज हैं पहले कैसे प्रिपेयर होते थे, तो वो प्रिपेयर होते थे पाम लीव से। ठीक है, उस पर लिखे जाते थे। और कौन कौन से मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मोस्टली वेद हैं, पुराण हैं और एपिक्स हैं। ठीक है, जैन और बुद्धिस्ट जो लिटरेचर हैं, जैसे कि दीपावंसा और महायानसा। ठीक है, ग्रामर जो है किसने लिखी थी, पाणिनि ने लिखी थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रामर किस राइटर ने लिखी थी। ठीक है, तो ये बुक्स के नाम है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, विशाखा दत्ता ने लिखी थी, कालिदास ने बुक लिखी थी मालवी कागनी मित्रम। ठीक है, बाणभट्ट हरिश्चंद्र जो है हरिश्चरित्र लिखा था हरिश्चंद्र का, और फिर है कालहंस ने लिखी थी राज तरंगिनी, और न्याय चंद्रास जो है वो लिखी थी हामीर काव्या। तो इसमें पहले आपने मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, पढ़नी है तो चलो सारी अच्छी बातें सारी पढ़नी है। एक तो ग्रामर पाणिनि की है, ये बहुत आता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र की है, ये आता है, मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्ता की, ये इम्पोर्टेंट है, कालिदास की इम्पॉर्टेंट है, वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कालिदास की, और बाणभट्ट का हरिश्चरित्र। तो ये जो है मोस्टली 4-5 बुक्स जो हैं आपको आती होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कई बार एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो हिस्ट्री करता क्या है, हिस्ट्री मोस्टली कंपैरिजन करता है, मतलब आपको पास्ट के बारे में बताया जाता है इसमें। अगर मैं बात करूं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, जो कुछ भी रिमेन्स बच गए मॉन्यूमेंट्स के, कुछ बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, कोई आर्ट की हुई है पहले के ज़माने का, कोई काम मिल गया है, उसके जब हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि पुराना हमें सिक्का मिला, पुराना हमें ये मिला, तो वो क्या है, वो सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जैसे कि सांची स्तूपा जो कि अशोका का बनाया हुआ था। ठीक है,
पिलर्स वगैरह जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के थे, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस किसने बनाने स्टार्ट किए थे, तो वो उसका क्रेडिट जाता है प्री आर्यन एविडेंस, जिसे हम कह सकते हैं सर विलियम जॉन्स, ठीक है। सर विलियम जॉन्स ने ये जो है स्टार्ट करवाए थे, मतलब इस्टेब्लिश की थी उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि 1 जनवरी 1784 में बनी थी। आपको इसमें जो है समझने वाला नहीं, सिर्फ जो मोस्टली दिमाग में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है, वो सारे नोट्स मैंने इसमें बनाए थे, तो वही आपको मिलेंगे इसमें। फिर है सर अलेक्जेंडर क्यूनहिंगम, जो उन्होंने जो है र्यून्स जितने भी तबाह जो चीज़ें हो चुकी थी उनमें से जो जो पुराना बचा, ठीक है, एंशियंट साइट्स का, वो जो है उन्होंने खोजा था, और प्री आर्यन कल्चर का, और उन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल जो है इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनहिंगम को, और एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल की थी वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। अब इंस्क्रिप्शंस होती हैं जैसे कि कुछ एविडेंस, ठीक है, जो कि हमें पढ़ने को मिलता है गोल्ड पे, सिल्वर पे, कॉपर पे, ब्रोंज पे, ठीक है, प्लेट्स पे, पिलर्स पे, वॉल्स पे, जैसे कुछ कई बार लिख देते हैं, है ना, खुदवा देते हैं या कुछ वैसे लिख देते हैं, तो वो जो है वो इंस्क्रिप्शंस होती हैं एक तरह से, ठीक है। ब्रह्मी और खारस्वती दो स्क्रिप्ट्स में होती हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि ये कौन सी स्क्रिप्ट में होती है, ब्रह्मी और खारस्वती स्क्रिप्ट में होती थी इंस्क्रिप्शंस जो थी, और ये इनको जो है हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से, रॉयल एवोलॉजी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट रिकॉर्ड, ठीक है। जो रॉयल जो है डॉक्यूमेंट्स होते थे जो गवर्नमेंट के अंडर आते थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और प्राइवेट जो है वैसे प्राइवेट रिकॉर्ड के लिए होते थे। फिर है हमारा इंस्क्रिप्शंस जो हैं इंडिया में ब्रह्मी और खारस्वती दो स्क्रिप्ट्स में होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि जैम्स प्रिंसेप जो कि सेक्रेटरी था किसका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने जो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा था। फिर हम अगर बात करें कॉइन्स की, तो कॉइन्स जो हैं उन्हें अगर कोई व्यक्ति जो है कॉइन्स की स्टडी करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्टडी ऑफ कॉइन्स आर न्यूमिसमैटिक्स, ठीक है, तो उसे न्यूमिसमैटिक्स कहा जाता है, जिसमें जो है आर्ट की डिवेलपमेंट की जाती है, और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट हमें आइडियाज़ पता चलते हैं सोशियो और पोलिटिकल आस्पेक्ट के। और अगर फॉरनियर्स की बात करें कि कहाँ कहाँ से हमें जो है हिस्ट्री पता चलती है, मैगस्टनीस से जिन्होंने इंडिका लिखी थी, फाहेन जो कि जिन्होंने बुद्धिस्ट कंट्रीज़ का रिकॉर्ड रखा था, फिर उसके बाद है पोटोलेमी ज्योग्राफी के बारे में जो है उन्होंने लिखा था, और प्लाइनी जिन्होंने नेचुरलिस्टिक हिस्टोरिया के बारे में लिखा था, ठीक है। तो ये जो है कुछ हमने स्टार्ट किया है आज व्हेन वेयर एंड हाउ चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये आपको रिवाइज करने के लिए था। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।